नमस्कार, मैं हूं देवांजलि मोइत्रा। पूरी दुनिया में कोविड-19 का कहर जारी और कोरोना मीटर के अनुसार अब तक लगभग 4,06,000 से ज्यादा लोग इसके शिकार हो चुके हैं और लगभग 71 लाख से अधिक लोग संक्रमित। इसी बीच अब इसकी जद में भारत और पाकिस्तान आ गए। कोरोना मीटर के अनुसार भारत में इस वक्त लगभग 2,58,000 से ज्यादा लोग संक्रमित और लगभग 7,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इसके साथ ही साथ पाकिस्तान में भी इसका मामला तेजी के साथ बढ़ता जा रहा है। खबरों की माने तो पाकिस्तान के रेल मंत्री शेख राशिद कोरोना संक्रमित हो गए। रेलवे मंत्रालय की ओर से सोमवार को जारी बयान में कहा गया है कि शेख राशिद की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई, हालांकि उनमें कोई लक्षण नहीं। रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद राशिद 2 हफ्ते तक सेल्फ आइसोलेशन में रहेंगे। यहां पर बता दें कि पाकिस्तान में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 1 लाख को पार कर गया। रविवार को जारी रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में कुल संक्रमितों की संख्या 1,01,173 और कोरोना से अब तक 2,032 लोगों की मौत हो चुकी। पाकिस्तान 16वां देश बन गया है जहां मरीजों का आंकड़ा 1 लाख से अधिक है। पाकिस्तान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने रविवार को कहा कि कोरोना पॉजिटिव मिले 33,465 लोग ठीक हो चुके हैं। पाकिस्तान के पंजाब में अब तक 37,090, सिंध में 38,108, खैबर पख्तूनवा में 13,487, बलूचिस्तान में 6,221, इस्लामाबाद में 4,979, गिलगित बाल्टिस्तान में 927 और पीओके में 361 मामले सामने आए। यहाँ पर एक बात बताते चलें कि बीते दिनों पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के प्रांतीय विधायक चौधरी अली अख्तर भी कोरोना संक्रमित हो गए थे। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के कारण एक प्रांतीय मंत्री समेत 4 सांसदों की मौत हो गई। इस बीच खैबर पख्तूनवा प्रांत ने पूरे राज्य के सार्वजनिक अस्पतालों में मास्क अनिवार्य कर दिया। सरकार की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि किसी भी शख्स को बिना फेस मास्क सरकारी अस्पताल में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। तो आप समझ सकते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान की हालत कितनी खराब है और इसका असर क्या हो रहा है।